वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि डेटा को कंसोलिडेट कैसे करना है। यानी कि मान लो कि मेरे पास 3, 4 या 8, 10 शीट्स में, वर्कशीट्स में डेटा है, और उन डेटा के, उन शीट्स का डेटा मुझे एक शीट में कंसोलिडेट करना है। यानी कि उसका सम करके मुझे, सारी शीट्स का डेटा सम करके मुझे एक शीट में चाहिए। ओके, तो इस चीज को हम कंसोलिडेशन वाला जो टूल होता है डेटा टैब में, वहां से हम करते हैं इसको। आज हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो डेटा कंसोलिडेशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि मल्टी शीट फॉर्मूला रेफरेंस, और दूसरा होता है 3D फॉर्मूला रेफरेंस। ओके, ये दो तरीके होते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे, इन दोनों तरीकों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि मल्टी शीट रेफरेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं, ये दोनों टाइप। ओके, तो फिलहाल देखिए मैं आपको SL mode. Title is accessible text center.xlsx-xljan. ओके, तो यहाँ पर ये एक फाइल है जिसमें टोटल 4 शीट्स हैं। ओके, फाइल का नाम है एक्सेसिबल टेक्स्ट सेंटर, और इस फाइल जो इस वर्कबुक, मतलब वर्कबुक एक फाइल है, और इस वर्कबुक के अंदर 4 शीट्स हैं, जिसमें पहली है जनवरी, जिसमें डेटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर जो चौथी शीट है यानी फोर्थ वन शीट है, जो वो है मास्टर शीट, जिसमें हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है। ओके, तो फिलहाल मैं आपको डेटा एक बार ही दिखा देता हूँ। एक बार अभी हम जनवरी वाली शीट पे हैं। फर्स्ट सेल। ओके, एक बार ये टाइटल आप ध्यान से सुन लीजिए। जनवरी के लिए मैंने जान लिखा है JAN, फरवरी के लिए फेब, और मार्च के लिए MAR। ओके, टाइटल इज एक्सेसिबल टेक सेंटर डॉट xlsx-xljan। ओके, एक्सेसिबल टेक सेंटर ये फाइल का नाम है और शीट का नाम है जैन। अब इसमें देखिए मेरे पास डेटा है, मैं आपको पहले पूरा डेटा दिखा दूंगा सभी शीट्स का। फर्स्ट सेल, एम्प्लॉई SL mode A1। यहाँ पर सीरियल नंबर है पहले, एम्प्लॉई ID B1। फिर एम्प्लॉई ID है, एम्प्लॉई नेम C1। एम्प्लॉई नेम है जनवरी सेल 2024 D1। ओके, जनवरी सेल 2024 ब्लैंक E1। यानी यहाँ पर एक मेरे पास एक कंपनी का डेटा है। ओके, जिसमें उनके उस कंपनी के एम्प्लॉयज के नेम है, उनका एम्प्लॉय ID है, और फिर उस कंपनी का सभी एम्प्लॉय, उस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने मिलके उस कंपनी के लिए कितना सेल किया जनवरी 2024 में, उसका इस शीट में डेटा है। ओके, तो एक बारी एम्प्लॉय ID SL mode A1। सीरियल नंबर कीजिए वही 1, 2, 3। 1, 2, 3 टोटल A5। ओके, 3 के बाद टोटल, अभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से इसको सुनिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा डेटा नहीं लिया है, जिससे कि समझ में आए अच्छे से। सेम फॉर्मूला होगा, आप जितना भी बड़ा डेटा हो आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, यहाँ पर पहली जो शीट है जनवरी वाली शीट है, यहाँ पर जितना भी सेल हुआ है जनवरी में, उसको 3 एम्प्लॉयज ने मिलकर किया है। ओके, 101 के नीचे देखिए अजय C2, अजय, विजय C3, विजय, शिवा C4, शिवा, लैंड C5। देखिए कंसोलिडेशन के लिए क्या होता है कि डेटा एक कंपनी का ही डेटा होता है, या फिर आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा हो सकता है, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा को कंसोलिडेट कैसे करना है, यही
होता है डेटा कंसोलिडेशन। ओके, तो यहाँ पर तीन एम्प्लॉइज ने मिलकर जनवरी में कितनी सेल की है? 45 रुपीज की सेल की है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा दे रखा है 10 यहाँ पर नाम दे रखा है अजय C2। अजय ने 10 रुपीज की सेल की है। विजय C3। विजय ने 15 रुपीज की सेल की है। विजय शिवा C4। शिवा ने 20 D4 रुपीज की सेल की है। 45 D5 contains formula। टोटल यहाँ पे 45 यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ टोटल भी आगे देखिए लिखा है 3 total A5। जो सीरियल नंबर है 1 2 3 तीन एम्प्लॉइज है ना, तो 3 के बाद यहाँ पर टोटल हमने डाल दिया है ये land, A6, total, A5. A5 में टोटल। फिर इसके राइट साइड में जब हम आएंगे land, D5, land, C5, 45, D5, contains formula. 45. Land, E5. ओके? आपको पता है कि हम जब इस तरह का करते हैं तो या तो हम वर्टिकली भी कर सकते हैं टोटल या फिर हॉरिजॉन्टली। ओके, तो अलग अलग तरीके हैं डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा पे सूट करें। यहाँ हमने टोटल यहाँ पे लिख दिया है हेडिंग, जिससे कि ये थोड़ा सा ऑफिशियल लगे और ऐसे ऐसे ही डेटा बनता है। ये हो गई जनवरी का डेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट में, फरवरी वाले में। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से जाना है नेक्स्ट शीट में। ओके, और प्रीवियस में कंट्रोल प्लस पेज अप। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉइज वही है, एक दो एम्प्लॉइज बढ़ जाएंगे, ज्यादा एक दो ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाएंगे। Employee ID B1 SLO A1 सीरियल नंबर के नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 A5 4 Total A6 इसके बाद टोटल है। ओके, तो यहाँ पे चार एम्प्लॉइज ने मिलके 1 8 101 B2 यहाँ पर ID आप देख लेना। ओके, ID वैसे ही है 101 102 103 104 अजय C2 यहाँ पर शुरू के एम्प्लॉइज वही है अजय विजय C3 विजय शिवा C4 शिवा और करण C5 करण एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है Land, C6 यानी कि फरवरी में इस कंपनी के लिए चार लोगों ने काम किया है कितने का 135 रुपीज का। अब आप बाय नेम भी देख सकते हैं 25 D2 फरवरी सेल 2020 एम्प्लॉय अजय C2 अजय ने किया है 25 D2 25 फरवरी में वहां पर इसने 10 रुपीज का किया था अजय C2 विजय C3 विजय ने किया है 30 D3 30 रुपीज का विजय शिवा C4 शिवा ने किया है 35 D4 35 रुपीज का शिवा करण C5 करण ने किया है 40 D5 40 रुपीज का करण C5 land C 130 D6 contains formula। ओके, यहाँ पर हमने टोटल कर दिया तो ये 1 land 130 D6 130 आया। ओके, और टोटल यहाँ भी देखिए total A6 ये यहाँ पे A6 में टोटल है land C 130 D6 contains formula। ओके, ये है land E6 ये हो गया फरवरी का डेटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मार्च वाले डेटा में। मार्च एंड ऑफ शीट D7 26 सेल्स 0 ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेल SLO A। अब यहाँ पर देखिए वहां पे चार देखिए जनवरी में तीन लोगों ने सेल की और फरवरी में चार लोगों ने और यहाँ मार्च में पांच लोगों ने 1 2 8 3 4 8 5 A6 5 और टोटल A7 टोटल A7 ओके 2 8 102 B3 101 यहाँ पर आईडी वैसी है 101 102 103 104 105 अजय C2 ओके एम्प्लॉई अजय C2 अब देखा यहाँ पर अजय ने यहाँ पर मार्च में कितना सेल किया 40 D2 40 मार्च सेल 2024 D1 ये देखिए ये कॉलम हेडिंग है ओके मार्च सेल 2024 एम्प्लॉई नेम C1 अजय C2 अजय ने 40 D2 40 रुपीज अजय विजय C3 विजय ने 45 D3 45 विजय शिवा C4 शिवा ने 50 D4 50 शिवा राहुल C5 राहुल ने 55 D5 55 राहुल रमेश C6 और यहाँ पे एक रमेश 60 D6 60 रुपीज की सेल हुई की रमेश ने। अब टोटल जाके मार्च में कितना सेल होता है इस कंपनी का 250 D7 contains formula 250 Land 250 D7 Land D8 ओके कंपनी आप मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड ओके इस कंपनी में इतना तो जनवरी फरवरी और मार्च की हमारे पास यहाँ पर डेटा है। अब नेक्स्ट शीट में अगर हम जाते हैं मास्टर एंड ऑफ शीट B2 फॉर सेल्स ये मास्टर शीट है ओके यहाँ पर फर्स्ट सेल कंपनी A1 यहाँ पर कंपनी है कंपनी के नीचे A1 में कंपनी है ग्रैंड कंपनी A1 A1 में कंपनी है उसके नीचे ABC प्राइवेट लिमिटेड A2 ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी A1 अभी B1 में आएंगे तो ग्रैंड टोटल ऑफ सेल B1 ग्रैंड टोटल ऑफ सेल इसके नीचे हम सेल निकालेंगे। ओके, अब देखिए कैसे होगा ये लैंड C1 डेटा तो हमने पूरा देख लिया।
अब सेल आप कंसोलिडेट करने के लिए हमें डेटा टैब में जाना होता है। ओके, बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ओके, मैं डेटा टैब में चलता हूँ, आपको एक बार दिखाता हूँ। ऑल्ट ए प्रेस करूंगा मैं, शॉर्ट कमांड रिबन एक्सेस कमांड। ऑल्ट ए अपर रिबन एक्सपेंडेड डेटा टैब 6 ऑफ 10। ओके, डेटा टैब आ गया। आप ऑल्ट प्रेस करके भी आ सकते हैं, वहां पे पहले होम टैब आएगा, फिर राइट एरो से आपको आना है, एक एक करके टैब प्रेस करते हुए। राइट एरो प्रेस करेंगे तो आएगा इंसर्ट टैब, फिर इस तरह फॉर्मूला टैब, इस तरीके से आएगा डेटा टैब। उसके बाद अब डेटा टैब में आने के बाद हम जाएंगे टैब से, टैब बटन प्रेस करूंगा। लिविंग मेन्यूज कमेंट्स अपर रिब फ्रॉम टेक्स्ट सेलेक्ट, थोड़ा जल्दी प्रेस करता हूं टैब। फ्रॉम रीड क्विक सॉर्ट सीरीज Advanced dot 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 buttons, data tools, text, flip, remove duplicates button, data validation dot 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 split button, four of... Data validation, ये तो हमने डिटेल में देखा है। Consolidate dot 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 button, 5 of 7, alt followed by an. Consolidate, या dot dot dot, यहाँ पर हम enter press करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। Enter, leaving menus, leaving ribbons, consolidate, reference, colon, edit, type in text, alt plus R. आप देखिए यहाँ पर, क्या क्या होता है, जैसे enter press करेंगे, reference, यहाँ पर लेने के लिए, यहाँ पर कर्सर आएगा। यहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। All references colon list box to move to an item press the arrow keys alt plus e. मैंने टैब की प्रेस किया तो यहां पर ये लिस्ट बॉक्स है, यहां पर आपको सारा जितना भी आप ऐड करेंगे वो यहां पे दिखा देगा। आगे function colon combo box sum to change the selection use the arrow keys alt plus f. अब करना क्या है आपको, सम करना है ना, यहां बाय डिफॉल्ट सम है, ये कॉम्बो बॉक्स है, ऑल्ट प्लस डाउन एरो करता हूँ। ओपन लिस्ट बॉक्स काउंट 2 ऑफ 11 काउंट एवरेज 3 ऑफ 11 एवरेज मैक्स 4 ऑफ 11 मैक्स मिड 5 ऑफ 11 मिनिमम प्रोडक्ट 6 ऑफ 11 प्रोडक्ट काउंट नंबर्स 7 ऑफ 11 एसटीडी डेव 8 ऑफ 11 एसटीडी डेव 9 ऑफ var 10 ऑफ 11 var 11 ऑफ 11 बहुत सारे यहाँ फंक्शंस हैं। ओके, आप देख लेना। होम सम 1 ऑफ 11 यार मुझे सम करना है तो मैंने सम भी किया। अब एंटर प्रेस करके टैब की प्रेस करेंगे। एंटर फंक्शन कोलन कॉम्बो बॉक्स सम द चेंज। ओके, हमें सम करना है, टैब बटन में प्रेस करूंगा, टैब की। टॉप रो चेक बॉक्स नॉट चेक, द चेक प्रेस स्पेस बार ऑल्ट प्लस टी। टॉप रो यानी जो हमारी कॉलम हेडिंग होती है, हमारे केस में सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और कौन से मंथ की सेल, जैसे जनवरी 2024, जनवरी सेल 2024। ओके, इस तरीके से टॉप रो हो गई है। और लेफ्ट कॉलम चेक बॉक्स नॉट चेक, द चेक प्रेस। अब लेफ्ट कॉलम यानी ये जो टॉप रो है, टॉप रो चेक बॉक्स नॉट चेक, ये नॉट चेक होता बाय डिफॉल्ट। आप यानी अगर ये भी चाहिए मास्टर शीट में तो आप इसको चेक करेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट कॉलम चेक बॉक्स, लेफ्ट कॉलम यानी जो सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय जो इनका जो डेटा है, कॉलम हेडिंग का जो डेटा है, जैसे सीरियल नंबर 123, फिर एम्प्लॉय आईडी में उनकी आईडी, एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉयज का नेम, ये चाहिए कि नहीं। ओके, ये सब अगर चाहिए तो आप इनको चेक करेंगे। अगेन टैब की प्रेस करना है। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा चेक बॉक्स नॉट चेक, द चेक प्रेस स्पेस बार ऑल्ट प्लस एस। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, ये अभी नॉट चेक है, इसको चेक कर देंगे तो होगा क्या, जैसे मास्टर शीट में डेटा कंसोलिडेट होके आ गया, उसके बाद बाकी के जो हमारा डेटा है जनवरी फरवरी मार्च, उनमें कुछ अगर हम चेंज करते हैं तो मास्टर शीट में अपने आप डेटा अपडेट होता रहेगा, अगर इसको चेक कर देते हैं तो। ओके, आगे टैब की प्रेस करूंगा। ओके बटन टू एक्टिवेट क्वेस्ट स्पेस बार। ओके बटन आ गया। क्लोज बटन टू एक्टिवेट क्वेस्ट स्पेस बार। क्लोज ब्राउज डॉट 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 बटन टू एक्टिवेट क्वेस्ट स्पेस बार ऑल्ट प्लस डी। ऐड बटन टू एक्टिवेट क्वेस्ट स्पेस बार। डिलीट बटन टू एक्टिवेट क्वेस्ट रेफरेंस कोलन एडिट टाइप इन टेक्स्ट ऑल्ट प्लस आर। यहीं पर आए थे ना रेफरेंस कोलन। अब देखिए यहां पर क्या है कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं उनके लिए यहां पर एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है। ओके, यहां से क्या वो करना होता है कि हमें जितनी भी जो शीट्स हैं जनवरी फरवरी मार्च या फिर इससे भी ज्यादा है, तो उन सबको एक एक करके यहां से हमें यहां पे ऐड करना होता है और वो माउस से ही हो पाता है। ओके, कीबोर्ड से तो मुझे तो फिलहाल नहीं पता कि अगर ये होता है तो नहीं, अगर आप में से किसी को पता होगा तो आप मुझे जरूर बताना। ओके, तो अब यहां पर माउस तो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, कीबोर्ड से ही हमें करना है, तो अगर माउस नहीं होगा, माउस हम नहीं यूज कर सकते तो फिर कैसे करेंगे, क्या हम ये कर ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या होगा कि माउस से पहले आप मान लो जनवरी वाली शीट है उसको यहाँ पर लाएंगे, फिर उसको शिफ्ट टैप प्रेस करके ऐड बटन पे स्पेस बार करते जाएंगे और
वो ऐड होता जाएगा, ओके, इस तरीके से। लेकिन पहले यहाँ पर शीट आए तब, अब ये कीबोर्ड से फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, ये माउस यूजर कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम इसको करेंगे नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम स्केप करके वहीं से हम जाते हैं मास्टर शीट में। स्केप, ब्लैंक, C1। ओके, अब देखिए डेटा कंसोलिडेट करेंगे हम फॉर्मूला के थ्रू, और वैसे भी हमारा जो अभी डेटा है ये सेम पैटर्न में नहीं है, यानी जनवरी में तीन एम्प्लॉयज ने सेल की है, फरवरी में 4 एम्प्लॉयज ने सेल की है, और मार्च में 5 एम्प्लॉयज ने सेल की है। अब अगर हम यहां से करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी अगर हम शीट को ऐड कर लेते हैं फिर भी, ओके, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेम पैटर्न में होना चाहिए इसके लिए। लेकिन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, फॉर्मूला और फंक्शन बेस्ट होते हैं, ओके, हमेशा। तो अब जब फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक मल्टी शीट फॉर्मूला रेफरेंस और एक होता है 3D फॉर्मूला रेफरेंस, ओके। आज हम मल्टी शीट फॉर्मूला रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ दोनों में। मल्टी शीट फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमारे डेटा का पैटर्न एक जैसा ना हो, जैसे अभी मेरे डेटा में है जनवरी में 3 एम्प्लॉयज ने सेल की, फरवरी में 4 और मार्च में 5। यहाँ पर 3D फॉर्मूला रेफरेंस काम नहीं करेगा, ओके। यहाँ पर हम मल्टी शीट फॉर्मूला रेफरेंस को यूज करेंगे, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ओके। तो हम फिर से चलते हैं जनवरी वाली शीट पे, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करूंगा मैं। Mar, end of sheet, Feb, end of Jan, end of sheet, Q8, 28 cells, 0 objects, first cell, SLO, A1, employee ID, employee name, January sale 2024, D1. January sale 2024, याया? अब यहां से डाउन एरो करते हुए जाना है, पहले आप देख लीजिए 10, D2. जो पहला है हमारा डेटा वो 10 है, जो अजय ने की सेल है वो है B2 में, सॉरी D2 में, ब्लैंक 10, D2. ओके, D2 है ये, अब सेल एड्रेस आपको ध्यान में रखना है D2। अब यहां पर देखिए 15, D3. 15, अगेन डाउन एरो, 20, D4. D4. 45, D5, contains formula. Blank, D6. क्या हुआ, D2 से लेके D4 तक डेटा है और D5 में हमने इसको सम कर दिया, टोटल कर दिया हमने, ओके। कैसे देखिए, 45, D5, contains formula. मैं F2 प्रेस करूंगा, फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। F2, edit hypertext. होम प्रेस करता हूँ, होम, S equals, equal साइन लगाना है, और SUM, sum, mic, left parenthesis, D2, D2, colon, D4, D2 से लेके D4 तक है ना, सम तो मैंने डिटेल में मेरी वीडियोस में मैंने बताया है, जो लोग फॉलो करते हैं, ओके, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट parenthesis, क्लोज और एंटर, enter, land, D6, 45, D5, contains formula, land, D6, इसका टोटल हो गया 45। इसी तरीके से सभी शीट्स को का डेटा जो है वो टोटल कर लेंगे हर शीट में, ओके। अब चलते हैं, चलो यहाँ का तो हो गया, फरवरी वाली शीट में चलते हैं। Feb, end of sheet is blank, if blank, F5. First cell, SLO, A1. आप सेल एड्रेस याद रखना, ओके? अब यहाँ पर देखिए। Employee ID, B1, February, blank, E1, February sale 2024, D1. February sale 2024. डाउन एरो प्रेस करते हैं। 25, D2. D2 में, D2 से शुरू हो रहा है। 30, D3, 35, D4, 40, D5, 130, D6, contains formula. Blank, D7. ओके, D2 से लेके D5 तक यहाँ पर जो डेटा है, जो सेल का डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है, और D6 में 130, D6 contains formula. यहाँ पर हमने इसको सम कर दिया, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला। F2, leaving table, edit, hyphen, home, S equals, equal sign, S, U, M, sum, left paren, D2, colon, D5, right parenthesis, close और enter. Enter, land, D7. आंसर आ गया 130, D6, land, D7. ये इस शीट का टोटल है,
फरवरी की सेल है ये टोटल, ओके 130 रुपीज की सेल हुई है ये फरवरी में। इसी तरीके से मार्च में चल लेते हैं हम, ओके 260 D6 तक है। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना है 250 D7 contains 4। देखिए यहाँ पे आ गया टोटल, आ गया Land, 250 D7 contains। ओके मैंने ये कर रखा है, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। F2 leaving table edit type and text, F2 प्रेस किया, Home S equals equal sign फिर sum S U M फिर left parenthesis Mike left paren D2 colon D6 right parenthesis और enter land D8 250 D7 land D8 250 ये आ गया इसका आंसर 250 D7 contains land D8 D7 ओके। अब ये तीन जनवरी फरवरी मार्च तीनों का टोटल हो गया है। अब हमें इन तीनों शीट्स का डेटा कंसोलिडेट करके मुझे क्या करना है, मास्टर शीट में चाहिए। ओके तो चलते हैं मास्टर शीट में। Master end of sheet B2. Grand total of sale company A1. Company है, company के नीचे. ABC Private Limited A2. Land A3. Okay, इतना ही है. ABC company A1. Grand total of sale B1. अब grand total हमें यहाँ पे निकालना है. 425 B2 contains formula. यहाँ पर देखिए result. यहाँ पे मैंने कर apply कर रखा है. यहाँ इसलिए यहाँ पे देखिए result आ रहा है 425. अब यहाँ formula कैसे apply हुआ ये देखते हैं. Okay? Formula देखते हैं. यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेल एड्रेस यहाँ बहुत मायने रखता है। जनवरी वाली जो शीट है, जनवरी वाली जो सेल है, उसमें जो हमने टोटल निकाला है वो था किसमें, D2 से लेके D4 तक तो सेल है, फिर D5 में उसका टोटल निकला है जनवरी वाली शीट में। इसी तरीके से फरवरी वाली में D2 से लेके D5 तक है और D6 में आंसर आया है उसका। इसी तरीके से मार्च वाली शीट में D2 से लेके D5 तक डेटा है और D6 में आंसर आया है। ओके ये एड्रेस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है 420 land C2 425 B2 contains formula। कैसे, F2 प्रेस करता हूं मैं, F2 leaving table edit type and text home S equals equal sign लगाना है, equal sign फिर S U M Mike फिर लेफ्ट parenthesis लेफ्ट paren ओके। अब यहां पर देखिए J A N जैन November ये शीट का नाम है, मैंने सारी शीट्स को रीनेम कर रखा है। ओके ये आप ध्यान रखना, आप अगर आप चाहें तो ना भी करें, शीट 1 शीट 2 शीट 3 भी रख सकते हैं, बट ये एक सिस्टमेटिक लगता है शीट को रीनेम कर देना। ओके ये ऑफिशियल और सिस्टमेटिक वे होता है। यहाँ पर पहली शीट का नाम है जैन JAN लेफ्ट पेरन JAN नवंबर फिर एक्सक्लेम का साइन लगाएंगे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेम आएगा, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो, एक्सक्लेम का साइन लगाया D5 आपको याद है जो जनवरी वाली शीट है उसमें जो आंसर आया है टोटल होके वो D5 में है। ओके तो जनवरी का D5 फिर कॉमा लगाना है आपको यहाँ पे, फिर आगे नेक्स्ट जो हमारी शीट है जो सेकेंड मंथ हमारा फरवरी F E B फेब फिर एक्सक्लेम। अब फरवरी में कौन से सेल में हमारा डेटा आया है वो D6 ओके D6 में है क्योंकि D2 से लेके D5 तक डेटा है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे कॉमा लगाना है, अब अगला कॉमा, अब मार्च का देखिए M A R मैंने शीट का नेम दिया है, पूरा नहीं लिखा M A R, अब एक्सक्लेम D7
D7 राइट पेरेंट राइट पेरेंथेसिस क्लोज लैंड ओके इस तरीके से और एंटर प्रेस कर देंगे एंटर लैंड D3 425 B2 कंटेन्ड फॉर्मूला लैंड C2 यहां पर आ गया आंसर ओके इस तरीके से एक बारी मैं आपको ऐसी फॉर्मूला रीड करके दिखा देता हूं 400 F2 edit type of text home S equals आप ध्यान से सुनना S equals equal sign S U M left paren J A N exclaim D 5 comma F E D exclaim D 6 comma M A R exclaim D 7 right paren land enter land B3 okay इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है अब ये तो हमारा हो गया अब अगर मान लो कि आपको बीच में कोई और मान लो यहाँ पे मुझे अप्रैल का भी डेटा ऐड करना हो तो कैसे होगा यहाँ पर हमें शीट यहाँ पे एक ऐड करनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम शीट ऐड कर लेते हैं शिफ्ट प्लस F11 से Shift F11, Sheet 1, Empty Sheet, Land A1. अब इसका नाम आया Sheet 1, क्योंकि हमारे पास चार शीट से फिर भी इसका नाम क्यों आया Sheet 1? क्योंकि हमने सभी शीट्स को रीनेम कर रखा है ओके तो आप चाहे तो इसको इसको भी रीनेम कर ले चलो रीनेम कर लेते हैं इसको रीनेम वगैरह कैसे करना है ये तो मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया है आप देख लेना alt h upper rib o cell size group row height group opt visibility or move tab up move or copy sheet dot rename sheet one of three alt followed by h o r रीनेम शीट आया यहाँ पे एंटर एंटर लीविंग मेन्यूज लीविंग टेबल लीविंग रिबंस शीट टैब एडिट शीट वन टाइप ऑफ टेक्स्ट शीट वन है यहाँ पे हम दे देते हैं नेम ए पी आर ए पी आर एंटर लैंड ए वन ओके देखिए अब इसका टाइटल नेम चेंज हो गया है टाइटल इज एक्सेसिबल टेक्स्ट सेंटर डॉट एक्सएलएसएक्स डैश एक्सएलएब ओके वो एपीआर को वैसे प्रोनाउंस कर रहा है जॉस ओके अभी क्या है कि अब इस शीट को आप मूव कर सकते हैं कहीं भी तो लॉजिकली ये मार्च के बाद होनी चाहिए है ना और क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आता है तो यहाँ पर चलिए हम पहले यहाँ पे एक काम करते हैं डेटा मेंटेन कर लेते हैं फर्स्ट सेल ओके तो पहला हमारा क्या है एस एल स्पेस ए ओ लैंड बी 1 सीरियल नंबर ई ए ओ पी पी ओ एम ई ई एम पी एल ओ वाई ई ई एम्प्लॉई आईडी स्पेस आई डी लैंड सी 1 ई एफ ई एल ओ वाई ई ई एन एम M A E. Employee name. Land D 1. Employee ID. Employee names. Land D 1. Employee names. Land D 1. Employee Land D 1. अब यहाँ पे देखते हैं. A P R I L S A L E 2 F 2 April Sale 20 D 1 Leaving menus Leaving Ritz Escape Land D 2 April Sale 20 D 1 Employee name C 1 April Sale 20 D 1 F 2 Edit Type of Text Home N 020 land 24 enter land D April sale 2024 D1 ओके यहाँ पर ये हो गया डेटा इतना employee name C1 अब मैं serial number और employee ID नहीं यहाँ पे डालूंगा name डाल लेते हैं हम land C2 क्या था अजय A A Y enter land C अजय C2 land C3 V A Y enter land C4 विजय और S A I V A enter land C5 शिवा चलिए चाहो तो आप एक नाम और ले लो K A R A N enter land C6 कोई ऐसा वो नहीं है इशू आप कितना भी न ले सकते हैं नाम Karen C5 Shiva Vijay Shift Karen C5 Shiva C4 Vijay Ajay C2 employee April sale 2024 D1 land D2 अब यहाँ पे सेल हम दे देते हैं कितना सेल किसने किया है तो नम लॉकन यहाँ पे सेल हम दे देते हैं April sale land D2 चलिए सिंपल दे लेते हैं हम ना मैं दे देता हूँ यहाँ पर 2 edit type and apostrophe escape land D April sale land D2 2 edit type and text 2 enter land D3 यहाँ पर 4 edit type enter land 4. D4 5 edit type and enter land D5 Karen C5 land D5 5 4 5 land D5 यहाँ 6 6 edit type and enter land D6 6 D5 Karen C5 ओके तो यहाँ मैं इतना दे रहा हूँ आप employee ID और serial number इतना जरूरी नहीं है Shiva with Ajay C2 Employee name April sale 2024 D1
ओके एम्प्लॉय अजय सी टू अजय ने जो सेल की है अप्रैल में टू डी टू टू रुपीज की अजय विजय सी थ्री विजय ने की है फोर डी थ्री फोर रुपीज की विजय शिव सी फोर शिवा ने किया है फाइव डी फोर फाइव रुपीज की शिव करण सी फाइव करण ने किया है सिक्स डी फाइव सिक्स रुपीज की ओके लैंड डी सिक्स अब यहाँ पर हम इस शीट का भी जो डेटा है वो सम करना पड़ेगा यहाँ पे तो टोटल कर लेते हैं सिक्स डी फाइव लैंड डी सिक्स equals edit type and text equal sign s u m left paren क्या है d date 2 d 2 colon colon d date 1 of 5 right parenthesis right paren enter land d 17 d 6 contains formula land d 7 17 d 6 contains formula land d 7 okay तो 17 आ गया total याद रखना ये d 6 में है अप्रैल वाली sheet में अब वहां पर चलते हैं master sheet में पहले इस sheet को move कर लेते हैं okay इस शीट को हम मूव कर लेते हैं alt h o cell size group auto up default visibility up move tab up move or copy sheet dot enter leaving menus leaving ribbons list box move or copy moves ये सब इन सब चीजों पे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे आप जाके देख सकते हैं ओके अब हम शीट को मूव करेंगे tab 2 of 6 bar 3 of 6 move selected sheets सारे शीट के नाम आ रहा है tab 4 of 6 move selected sheets master 5 of 6 ओके तो मास्टर से पहले मुझे करना है ओके जो मास्टर शीट है उससे पहले और फरवरी के बाद लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बिफोर शीट ओके यहाँ आफ्टर नहीं पूछता है यहाँ बिफोर शीट पूछता है तो बिफोर मास्टर शीट तो मास्टर शीट पे कर्सर रखना है App, master, 5 of 6. अब यहाँ पे टैब प्रेस करना है टैब की create a copy checkbox not checked check press space bar alt plus c इसको चेक कर देंगे तो इसी शीट का एक कॉपी बन जाएगा वो हमें नहीं करना okay button to activate press space bar okay पे स्पेस बार स्पेस land d7 ओके okay, तो अभी हम 17 डी सिक्स लैंड डी सेवन अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस डाउन करूंगा ओके नम लॉक ऑफ मास्टर एंड ऑफ शीट बी टू फोर सेल्स जीरो ऑब्जेक्ट्स 425 बी टू कंटेन्स अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास फिलहाल जनवरी फरवरी और मार्च का ही डेटा आ रहा है ओके okay? तो अब इसको ग्रैंड टोटल 425 यहाँ पर फॉर्मूला को अपडेट करना पड़ेगा हमें कैसे एफ टू एडिट टाइप ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला हमारा अभी क्या है चलो मैं पहले अपडेट कर देता हूँ फिर आपको दिखा दूंगा एंड एंड में जाना है एंड की प्रेस करके राइट पेरन सेवन डी सेवन राइट पेरन ओके सेवन राइट पेरन यहाँ पर सेवन राइट पेरन अब जो जैसे वहां पे कॉमा लग रहा था ना यहाँ भी हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि मार्च का डेटा है उसके बाद हर एक मंथ के बाद कॉमा तो यहाँ पर कॉमा लगाना है राइट पेरेंथेसिस पहले कॉमा अब यहाँ पर क्या है APR APR और exclaim exclamation mark shift के साथ one exclaim और क्या है कहाँ पे डेटा है हमारा B2 से लेके चारों का डेटा है ना तो D2 D3 और D4 D5 यहाँ डेटा है और D6 में वहां का टोटल आया है अप्रैल वाली शीट का ओके तो 2, 3, 4, 5 और 6 तो यहां पर क्या देंगे हम D6 और राइट पेरेंथेसिस लगाई है एंड राइट पेरेंथ 6 और एंटर एंटर लैंड D3 देखते हैं 442 B2 कंटेन्स फॉर्मूला 442 लैंड C2 इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं 442 B2 कंटेन्स फॉर्मूला अब फॉर्मूला क्या हो गया देखते हैं F2 edit type and text. Home press करता हूँ. Home S equals equal sign equal S U M S U M left paren left parenthesis J A N ये January November वाली sheet का नाम है. Exclaim D5 में January वाली sheet का total है तो यहाँ पे हम total वाले cell address देते हैं. Comma January का हो गया. Comma से separate करेंगे. अब next month February F-E-B Bravo Exclaim फिर वाला सेल एड्रेस जहां पर फरवरी वाली स्ट्रीट का टोटल आया है D6 कॉमा M मार्च अब A-R M-A-R Romeo Exclaim D7 में टोटल आया ना मार्च का फिर अगला अप्रैल तो कॉमा यहां पे कॉमा A-P-R Exclaim D6 में अप्रैल का डेटा है राइट पेरेंट राइट पेरेंट दिस इज
land, enter. Enter land B3 442 B2 contain land C2 442 क्योंकि वहां पे 17 आया ना, अब देख लो 17 पहले 425 था, फिर अप्रैल में 17 रुपीज की सेल हुई है ना, तो ये कितना होगा आप जोड़ लो 425 प्लस 17 तो यहां पर आ गया हमारे पास 442 B2 ओके। तो इस तरीके से अब अगर यहां पर हम कोई भी शीट रिमूव करेंगे तो यहां पर जो आंसर है वो फिर मिसमैच हो जाएगा ओके। फिर से आपको फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा जो भी शीट यहां से आप रिमूव करेंगे ओके। तो इस तरीके से हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है ओके। तो आप देखिए वीडियो को, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर सच में वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ओके। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो करिए एक्सेसिबल टेक सेंटर का, वहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं इस शीट को वहाँ पर अपलोड कर दूंगा ओके। व्हाट्सएप चैनल पे आप वहाँ से इस शीट को ले सकते हैं ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।